क्योंकि मन लो पीछे पड़ा हुआ बहुत ज्यादा कि कड़ी बनाओ मैं कड़ी पीछे बनाओ नहीं, पड़ा। कड़ी 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 हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह से मैं दोबारा चाय पी ली है, बारिश आज भी हो रही थी और कल भी हो रही थी और अभी भी बहुत मतलब हवा चल रही है बाहर। और मन्नू का पापा, मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मन्नू का पापा भी नहा लिए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नहा धो के बैठे जी, हाँ नहा धो के बैठे, चाय चाय पी लिया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, लवन्या है, बच्चे के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे सोने बेटा के। ये देखो बच्चा जाग रहा है, अभी आ सो यानी दूध पी के, है ना। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। लगता है सोना बेटा टाइम चेंज कर रहा है, लवन्या टाइम चेंज कर रही है, घड़ी की तरह घूमती है, घड़ी की तरह। रात को भी लाइट चली जाती है, दिन में भी चली जाती है, लाइट का कोई टाइम ही नहीं है। तो गीजर भी मतलब ऑन नहीं था और मैं ठंडे पानी से मतलब मिक्स था थोड़ा सा पानी गर्म ठंडा, और उससे नहा के आई हूँ। और बाकी तो किचन में हमारी लाइट ही नहीं है, ये जो लाइट है इन्वर्टर से चल रही है, इन्वर्टर भी पता नहीं कब तक बंद हो जाए, कुछ पता नहीं है। सुबह से नहीं लाइट है ना, पता नहीं 5-6 पता नहीं कितने बजे की लाइट गई हुई है। और सुबह 5 बजे बहुत तेज बारिश होती है, मतलब मैंने दूध गर्म करने के लिए उठी थी ना, तो 4 बजे उठा था, नहीं 4:30 बजे उठे थे। हाँ 4:30 बजे उठे थे ना, तो मैं लवन्या को दूध देने के लिए 5 बजे जब उठी थी तब मन्नू भी उठा था, तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। मन्नू भी नहा धो के तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम लंच की तैयारी करना शुरू करते हैं। अभी से करेंगे तब तक लंच बनेगा। और लवन्या बच्चों को यहाँ पर बैठ लेती हुई है, इस बच्चे का टाइम टेबल चेंज हो रहा है ना बेटा। चने चने लवन्या को तो मैंने खिला दिया रोटी बना के, क्योंकि लवन्या का सोने का टाइम हो रहा है, शायद वो सो जाएगी, तो उसको बना के खिला दिया पहले। अब हम बना रहे हैं अपन ये नमकीन राइस, नमकीन राइस। देखिए हम छत पे आ गए हैं और इतना ठंडा मौसम हो रखा है ना, और हवा चल रही है बहुत तेज। ये देखो यहाँ से आपको पता चलेगा ये हवा कितनी तेज है, बहुत तेज हवा चल रही है आज, हवा बहुत चल रही है। और सूरज भी ना आई दिख नहीं रहा, वो छुप गया, कहाँ गया, हाँ वो छुपा हुआ है। फिर कहती है सिद्धियों की बात कर ले, तो उसको मैंने बोला मैं कौन सा पुट्ठियों की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे हम छत पे घूम रहे हैं तो हवा और तेज होती जा रही है, हवा बोल रही है जाओ नीचे गर्म गर्म चावल खाओ, और सर्दी का मौसम है तो गर्म गर्म चावल खा के रजाइयों में घुस जाओ, और रजाई में से निकलना नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं, तो ठंड बहुत ज्यादा है ना मन्नू, तो इसलिए चलते हैं हम नीचे। मम्मा चले गए अंदर और यहाँ पे सामने गाय का अड्डा है, जहाँ पर वहाँ पर गायें हैं, यहाँ पर सांड है, अंदर पता नहीं अंदर घर के एक गाय का अड्डा है, और यहाँ पर कितने सुंदर फूल लगे हैं जो कि अभी उगे नहीं अच्छे से। डैडी जी आ जाओ खा लो, डैडी डैडी तो काम कर रहे है, हाँ जी डैडी काम कर रहे। तो लब्बू भी आ गई, अब थोड़े से राइस खाएगी वो भी, रोटी खा लिया था उसने। ये कैसे कर डाल रहे हैं डैडी जी, अच्छा तो अब हम लंच करने के बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस हमारा लंच हो गया है, मम्मा यहाँ पर बैठे, डाडा सबसे पहले खा के वहाँ पर चले गए, और डाडा सबसे पहले ही खाते हैं पता नहीं क्यों, खाना खा के उठ गए तो फंस फंस के मेरे जीजा और हम हमारा पेट धोने लग गया। हम लोग खाना खाते ही जा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे धीरे, इनकी स्पीड इसलिए तेज है ना, अब इनको बाहर जाना होता कहीं भी, अब काम आ गया, शूट आ गया, कुछ भी आ गया, तो फटाफट खाना खा के अपना काम करना होता है, अब हम तो आराम से खाते हैं। बात तो सही है, वो लेट गए वहाँ पे जाकर, हम लोग यहीं बैठे। टाइम 3:30 हो गए हैं और मन्नू क्या था छत पे पतंग उड़ाने के लिए, उड़ी नहीं, उड़ता जाती दो बारी रील टूट गई। तो इसके बाद मांझा नहीं है ना, तो इसलिए बच्चे की पतंग की रील का धागा था ना, तो इसलिए वो टूट गया,
तो उसका मांझा नहीं है, तो उसने पतंग उड़ाड़ा था तो उड़ी नहीं, तो बच्चा नीचे ही आ गया। तो मैं बनाने हाँ वही तो वही तो एक तो हवा तेज चल रही है और फिर कौन मत्था मारेगा, ये बच्चा पतंग के साथ कहाँ मत्था मारेगा, अगर ये मत्था मारेगा तो उसका मत्था नहीं फूट जाएगा, पतंग का तो कुछ भी नहीं होगा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि मन्नू पीछे पड़ा हुआ बहुत ज्यादा कि कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ कढ़ी कढ़ी। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब कढ़ी, क्योंकि मन्नू बहुत दिनों से बोल रहा मम्मा कढ़ी खानी है कढ़ी खानी है, कढ़ी तो मैं अभी कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कढ़ी बनाते हैं। टाइम तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी स्टार्ट करूंगी तो फिर आराम से फ्री होकर बैठेंगे, है ना भाई? हाँ जी, 5 बजे तक। मम्मा यहाँ पे कड़ी बना रहे हैं, कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ से अब रात हो गई है, तो अपने घर कैसे जाएगी, लेट हो गई है। तो मम्मी अब यहाँ पे आ रही है, मम्मी का कॉल आया था, तो मन्नू लेने गया मम्मी को नीचे। तो मैं बस अभी कढ़ी पकौड़ा बना रही हूँ और लवण्या बच्चा आ गए। अच्छा, तो ये मन्नू आ गया मम्मी नानी को लेके, मम्मी भी आ गई है ससुरी का मम्मी। ठंडे भैया, ठंडे गल ठंडी भैया, बाहर तो ठंडी की हवा चल रही है ना, इसलिए ठंड लग रही है बाहर। कढ़ी अभी बन रही है और पकौड़े बना दिए मैंने, और मम्मी को मैंने पकौड़े दिए थे, मम्मी कहती है मैंने थोड़े से पकौड़े खाने, ज़्यादा खाने नहीं। ये मैं शलगम और सॉरी मिर्च शलगम और ये मूली का अचार बनाऊंगी अभी, पहले मम्मी को चाय दे दूँ, बस फिर इनको अचार बनाना है मुझे। हेलो मम्मी, क्या तुम भी लो, आप भी ले लो चाय। पंजीरी लिया, पंजीरी ना, मैं कुछ नहीं खाना है, पकौड़े हो, कुछ नहीं खाना। क्या हो गया बेतू, छोने का हो गया, नने उत गया, आ कैमरे नु की हो गया। कढ़ी पकौड़ा बन के हो गया तैयार, और बस मैं भी लवण्य के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और फिर मुझे लगाना है। सॉरी सॉरी, दूध आ गया, बच्ची बच्ची हुई जरा सी आंख मैंने इधर की गाजर मूली की तरफ, पटक से दूध बाहर बच गया। बस इसके बाद मुझे अचार बनाना है। लहसुन थोड़ा सा छील रखा है, बाकी मूली हरी मिर्च शलगम गाजर भी है, बट अब कौन छील लेगा गाजर को, इतना टाइम नहीं है। अब दूध ठंडा हो जाए लवण्य का, तो तब तक मैं तड़का लगा लेती हूँ अचार को। आ जाओ बेटा लवण्य, लो मनु लफड़ बेटा पला नू मदो होता रहा हो, लफड़ हाँ, तो तुसी फड़ो ना, फिर मैं बेटेंशन ता ही रहूंगी ना, फड़ ना जल्दी, ओ तुसी बेटेंशन रहो, बेटेंशन ता ही रहूंगी, जो पहले बोतल ता फड़ ला बेटेंशन दा बच्चा मैं बेटेंशन दा नहीं, कोमल दा बच्चा है। हाँ तो कोमल दा ही है, चल पला दे, चल मैं आ रही हूँ थोड़ी देर। रोटी खाओगी कि राइस? अच्छा रोटी खाओगी, मम्मा जी लब्बू दी रोटी बा दो, मैं बना रही हूँ। लवण्या रोटी खाती है, हम कढ़ी चावल खाएंगे, वो चावल खा लेती है, तब थोड़ा सा खाती है ना। लब्बू के लिए स्पेशल रोटी बन रही है, स्पेशली स्पेशल रोटी, स्पेशल रोटी स्पेशल आटे से अट्टे कहने लगा था ऐसे मम्मा कुछ गड़बड़ी हो कड़ी राइस कड़ी राइस चावल राइस हिंदी इंग्लिश कहता तुसी। तो अब हम कड़ी चावल खाने लगे हैं, रात का डिनर। डैडा जी, हाँ जी, इधर देखो, डाल लो, मनु नहीं खाए, मनु बिना कड़ी के खाए अच्छा। अरे मैं पहले रोटी खाऊंगा ना। डिनर हमारा हो गया था, मनु और मन्नू का फस हो गया है, लवण्या भी आज जल्दी सो गई है, क्योंकि ये शाम को लेट सोई थी इसलिए ये सो गई है।
और हो सकता है आधी रात को उठ जाएगी, जब तक सो रही तब तक सो जाएगी। मम्मी यहाँ बैठी है, मम्मी चाय पी रही है और हमारा खाना पीना सबका हो गया है। अब टाइम हो गया है रात के 10:45 और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।